हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है, जो लाइव क्लासेस में वैलिडेशन रूल हम लोग नहीं लगा पा रहे थे, उसी के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा आ जाते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर व्यू पे चलते हैं और डिजाइन व्यू पे आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टेबल का नाम चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं, सपोज करिए स्टूडेंट टी, यानी स्टूडेंट की टेबल ये बना लिया हमने, और यहाँ पर इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं कर लेता हूँ रोल नंबर, ये रोल नंबर कर लिया, और यहाँ पर आ जाएगा ऑटो नंबर। ऑटो नंबर डेटा टाइप मैंने रखा है, आप चाहे तो इसको नंबर या शॉर्ट टेक्स्ट भी रख सकते हैं या टेक्स्ट भी रख सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो नेम ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, तो ये लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट कौन सा डेटा टाइप होगा, ये टेक्स्ट डेटा टाइप होगा। अब यहाँ पर एक सब्जेक्ट का नंबर दे देता हूँ, लाइक कंप्यूटर कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ इंग्लिश, और यहाँ पे कर देता हूँ मैथ्स, ठीक है। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि यहां पर इसे रखना है नंबर डेटा टाइप, और इसको भी नंबर डेटा टाइप रख लेना है, रख लिया। इसको भी नंबर डेटा टाइप रखना है, और एट लास्ट इसको भी नंबर डेटा टाइप ही रखना है। अब हमें करना क्या है, हम ये चाहते हैं कि यहां पर जो व्यक्ति नंबर एंटर करे वो या तो 95 के बराबर हो या 95 से छोटा, यानी 95 से छोटा नंबर कंप्यूटर में एंटर हो या 95 के बराबर एंटर हो। उसके लिए वैलिडेशन रूल इज लेस देन इक्वल टू कर देंगे, वैलिडेशन रूल में जाएंगे इज लेस देन इक्वल टू, इस तरीके से आपको करना है, और यहां से व्यू पे क्लिक कर देना है। तो ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में ये कंडीशन मैंने दी है, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो यहां पे 95 कर देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, अब यहां से जाइए और यहां से ओके कर दीजिए, ये काम हो गया है आपका, ठीक है। और यहां पर अब स्टूडेंट का मार्क्स एंटर करवा के देख लेते हैं कि क्या होता है। तो पहले नाम एंटर करवा देता हूं राम, अब यहाँ पे मार्क्स एंटर करवाता हूँ, लाइक यहाँ पे 55 एंटर किया एक्सेप्टेड, 66 एंटर किया एक्सेप्टेड, 77 एंटर किया एक्सेप्टेड, यहाँ पे 96 करता हूँ। जैसे ही 96 किया तो ये भी एक्सेप्ट कर गया है, देख सकते हैं। सब्जेक्ट में मार्क्स तो एक्सेप्ट कर जाएगा, लेकिन हमारा कंप्यूटर में नहीं करेगा। चलिए फिर यहां पर आते हैं, यहां पर एक और नाम दे देते हैं श्याम, और यहां पर कंप्यूटर में 96 डालते हैं। अब देखिए यहां पर हो गई प्रॉब्लम, क्या कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू 95, इक्वल टू हो सकता है, एक बार इक्वल टू देख देखते हैं। यहां पे 95 करते हैं, अब ये मैंने दे दिया तो ये एक्सेप्ट कर जाएगा, लेकिन लेस देन रहेगा या इक्वल टू, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। अन्य सारे सब्जेक्ट में दे सकते हैं, अगर वैलिडेशन रूल अन्य सारे सब्जेक्ट में भी लगा देंगे तो यही कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। देखिए मैं दिखा देता हूं, जैसे ये तो केवल कंप्यूटर के लिए रहा, यहां पर टेक्स्ट भी लिख देता हूं नंबर, यहां पे देखिए इस तरीके से नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 95, ये दे दिया हमने। अब इसी चीज को मैं क्या करता हूं, यहां से कॉपी कर लेता हूं, ये जो टेक्स्ट है ना इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। कॉपी यहां से कर सकते हैं आप, यहां पे जाकर के पूरा सेलेक्ट करके इसको चाहे तो कॉपी किया जा सकता है, ये कॉपी कर लिया हमने। अब यही चीज हम यहां पर दे देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट में देंगे, रूल्स में वही लेस देन इक्वल टू 95 ही हमें देना है। तो ये लेस देन हो गया, इक्वल टू हो गया, 95 कर दिया हमने, इसमें 95 से लेस ही रहेगा, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं, सेम चीज यहां पर कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू 95, लेस देन इक्वल टू 95 के बजाय यहां पे क्या कर देता हूं 75, इसमें 75 कर दिया, तो यहां पे लेस देन इक्वल टू, देखिए अलग वैलिडेशन रूल, लेस देन इक्वल टू 75 कर दिया हमने, देखा आपने। अब ये हो गया, अब किसमें बचा, अब साइंस में रह गया है, तो साइंस में भी आते हैं यहां पे फिर यहां पे इस तरीके से कर दिया, और यहां पर देखिए 95 क्या हुआ है, इसमें 50 कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू 50, ठीक है। तो अभी यहां पे चेक करेंगे, देखेंगे लेस देन इक्वल टू 50 कर दिया, देखिए इस तरीके से हो गया। अब बस यहां से आप व्यू पे क्लिक कीजिए और यहां से ओके कर दीजिए, ठीक है। कह रहा है डाटा इंटीग्रिटी रूल्स मस्ट हैव बीन चेंज्ड, एग्जिस्टिंग डेटा मे नॉट बी वैलिड फॉर न्यू रूल्स, ठीक है। तो वो जो डेटा हमने यहां पे एंटर किया है वो वैलिड नहीं है न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो भी रूल्स हमें लगाने हैं, अब यहाँ पे डेटा ये चेंज कर देते हैं, पूरा डेटा हटाते हैं, यहाँ से सारा ही डेटा हटा देते हैं। अब जो भी हमने वैलिडेशन दिया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा एंट्री होगी, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर इसको भी मैं हटा देता हूं, सब हटा देता हूं, और फिर यहां पर एंट्री हम उसी हिसाब से करेंगे। जैसे अगर मैं कंप्यूटर में 96 देने की कोशिश करता हूं तो नहीं आएगा, नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 95, या तो लेस देन रखिए या तो इक्वल टू रखिए। तो चलिए इस बार लेस देन रख लेते हैं, 77 कर लेते हैं, तब आगे बढ़ जाएगा, आगे चला गया। अब यहां पर आते हैं, यहां पर देखते हैं 90 देखते हैं, तो यहां पे 90 एक्सेप्ट कर गया है, देख सकते हैं। फिर यहां पर आते हैं, यहां पे मैथ्स की बात करते हैं, तो 66 किया एक्सेप्ट कर गया, यहां पे 55 करते हैं एक्सेप्ट किया नहीं किया,
क्योंकि यहां पर 50 रखना है, इसीलिए ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो जिसके अकॉर्डिंग आपने यहां पे दिया है रूल, वैलिडेशन रूल, उसी के अकॉर्डिंग यहां पे एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं यहां पे 52 भी कर देता हूं तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि 50 तक एक्सेप्टेबल है, 50 से अधिक एक्सेप्टेबल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 50 अगर करता हूं तब ये ले लेगा, देख सकते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं ये 95 ले लेगा। अब यहां पर आता हूं तो यहां पर 90 दिया गया है, ठीक है। वैलिडेशन रूल में एक बार चेक कर लेते हैं, इंग्लिश का वैलिडेशन रूल हमने क्या दिया था, तो इंग्लिश के वैलिडेशन रूल ये देखिए, ये इंग्लिश वाला है और यहां पर लेस देन इक्वल टू 95 ही दिया गया है, तो यहां पर तो 95 ही रहेगा। अगर 96 देंगे तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो ये देखिए यहां पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्लियर है ना। तो वैलिडेशन रूल इस तरीके से आप लगा सकते हैं, यहां पे 88 करेंगे फट से एक्सेप्ट कर गया। अब देखिए ये मैथ्स का वैलिडेशन रूल क्या दिया हमने, एक बार इसको भी चेक करते हैं। 66 यहां पे दिया गया है, मैथ्स के लिए आते हैं और मैथ्स में देख सकते हैं 75 दिया है, यानी 66 यहां पे हमने एंटर करा, तो ये 66 तो 75 से छोटा ही है। अगर यहां पे 76 या कुछ और देने की कोशिश करेंगे तो नहीं लेगा, देख सकते हैं। तो इस तरीके से वैलिडेशन रूल लगाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।